नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे एक लंच बॉक्स। दोस्तों ये है मिल्टन का इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रिक टिफ़िन। जी हाँ दोस्तों, ये है एक इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स। तो इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसमें खाना गर्म कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, इसमें केबल मिलेगी आपको, और अगर आप इसे प्लग इन करते हैं सप्लाई से तो आपको इसमें खाना गर्म मिलेगा। तो यहाँ देखिए ये इन 4 कलर्स वेरिएंट में अवेलेबल है, और ये जो कलर है ये फर्स्ट वाला है क्रीम कलर। और बॉक्स पे देखिए MRP दिया गया है 1300 रुपीज़, बट ये मेरे को शॉप से परचेज़ किया है मैंने, तो शॉप से मेरे को ये मिल गया है 950 रुपीज़ का, यानी कि 950 रुपये का। और ये देखिए ये बिल है इसका, इसमें आप देख भी सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 950 रुपये, 950 रुपीज़ का। और ये मैंने डिफरेंट एक शॉप से भी पता किया था, तो वहाँ पे ये मुझे मिल रहा था 1100 का, यानी कि 1000 के अप्रॉक्सीमेट ये आपको शॉप से मिल सकता है। और ऑनलाइन भी वैसे मिल जाता है, पर ऑनलाइन इसका प्राइस ज़्यादा है। और ये है दोस्तों इसका वारंटी कार्ड, और इस टिफ़िन की आपको 1 ईयर वारंटी मिलती है। 1 ईयर अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको रिप्लेस करवा सकते हैं सर्विस सेंटर वगैरह जाके। तो ये है दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिक टिफ़िन, ये है मिल्टन इलेक्ट्रॉन 4 मॉडल, और ये है क्रीम कलर, और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड लग रही है, और देख ही सकते हैं आप, तो नीचे से कुछ ऐसा दिखता है ये। और दोस्तों ये 4 कंपार्टमेंट है, इसमें 4 लंच बॉक्सेस हैं, और ये है इसकी एडजस्टेबल बेल्ट, और इसमें आपको सेम 3 कंपार्टमेंट वाला टिफ़िन भी मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसे ओपन होता है, और जो इसकी केबल है जहाँ से आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करना है वो ये है, ये देखिए यहाँ पे रखते हैं इसको, तो इस केबल के थ्रू आप इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसे ओपन कर लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे है इसके लंच बॉक्सेस, और ये अंदर से एकदम नॉर्मल दिखता है, देखिए जैसे नॉर्मल लंच बॉक्सेस होते हैं। और ये है इसका पावर इंडिकेटर, और ये देखिए यहाँ पे है इसका सप्लाई इनपुट के लिए स्लॉट, तो यहाँ पे आपने ये केबल लगानी है, और इस केबल को लगा के आपने इसे सप्लाई से कनेक्ट कर लेना है, और फिर आपको खाना मिलेगा गर्मा गर्म। बट उसके लिए आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा कितनी देर। तो इसको ज़रा बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये है स्टेनलेस स्टील के लंच बॉक्सेस, ये 4 कंपार्टमेंट है, बट इसमें 3 कंपार्टमेंट भी आता है, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं, मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, तो स्टील में दोस्तों वैसे भी खाना गर्म करके खाना बहुत ही सेफ़ होता है, प्लास्टिक में अगर आप खाना गर्म करके खाते हैं तो वो बिल्कुल भी हमारी हेल्थ के लिए सेफ़ नहीं है। तो ये है अंदर से पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील से बना हुआ, अच्छी क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील है। और ये जो दोस्तों इसके जो बॉक्सेस हैं, ये जो टिफिन्स हैं, इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। और ये है इसका स्टैंड, तो ये सब रख देते हैं। ओवरऑल दोस्तों इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी ठीक है, अच्छी खासी सॉलिड बॉडी है इसकी, और मिल्टन वैसे भी एक अच्छा ब्रांड है, तो इसकी जितनी भी चीज़ें उनमें अच्छी खासी क्वालिटी होती है। तो इसके बॉक्स में दोस्तों आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 30 मिनट्स हॉट फूड इन 30 मिनट्स, यानी कि आधा घंटा लगेगा इसको खाना गर्म करने में। और यहाँ लिखा है पावर सेवर, और इसके कुछ यहाँ फीचर्स दिए गए हैं, इसमें 100 वाट्स का हीटर लगा हुआ है जो कि आपके खाने को गर्म करता है, 30 मिनट्स लगेंगे, 230 वोल्ट AC देनी है आपने इसको, और स्टेनलेस स्टील के इसमें कंटेनर्स हैं, और इसमें ऑटोमेटिक कट ऑफ भी लगा है, अगर आपने काफ़ी देर से इसको लगा के रखा हुआ है सप्लाई में तो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, ओवरहीट नहीं होगा ये। तो अब हमने इसको चेक करना है दोस्तों कि ये गर्म करता है, कैसे करता है और कितना गर्म करता है, तो इसके लिए अब हम इसको चेक करने वाले हैं। तो दोस्तों चेक करने के लिए मैंने क्या किया है कि इसके जो लंच बॉक्सेस हैं इनमें मैंने पानी ले लिया है, ये बिल्कुल फ्रेश वाटर है, और अभी सर्दियां चल रही है तो सर्दियों में आपको पता ही है फ्रेश वाटर कितना ठंडा होता है, तो मैंने चारों टिफ़िन्स में थोड़ा थोड़ा पानी ले लिया, और ये पानी वैसे ठंडा ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि सर्दियों में तो नॉर्मल पानी भी काफ़ी ठंडा होता है। तो अब हम इन सभी बॉक्सेस को केयरफुली रखेंगे, और बहुत ही केयरफुली इस लंच बॉक्स के अंदर डालेंगे, और 30 मिनट्स तक वेट करके देखेंगे कि क्या ये पानी गर्म हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कितना गर्म हो रहा है। तो इसको ज़रा हम केयरफुली रख लेते हैं।
तो अभी हमने सारे लंच बॉक्सेस रख दिए हैं और बहुत ध्यान से इसके अंदर हम इसे डाल देते हैं। ओके, तो अब हम इसका ढक्कन लगा देते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको प्लग इन कर देते हैं सप्लाई से। तो मैंने इसकी सप्लाई लगा दी है, नीचे आप देख सकते हैं इंडिकेशन आ गया सप्लाई का। एक मिनट ज़रा ये देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको नीचे यहाँ पे लाइट दिखेगी, ये देखिए। तो अभी सप्लाई मैंने ऑन कर दी है और अभी वॉच में टाइम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हो रहा है 9:10, यानी कि 9:10 हो रहा है। तो 30 मिनट्स वेट करना है हमने, 9:40 पे इसमें खाना या जो भी पानी हमने डाला है वो गर्म होना चाहिए। तो देखेंगे कितना गर्म होता है। तो अब हमें 30 मिनट्स तक का वेट करना है, आधा घंटा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी देखिए मैंने थोड़ा वीडियो स्किप किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए सप्लाई ऑन है। और अब देखिए, अब ज़्यादा आपको दिखेगा, मैंने लाइट बंद कर दी है। देखिए लाइट इसमें सप्लाई आ रही है, लाइट ऑन है। और अगर मैं लंच बॉक्स को पकड़ रहा हूँ तो ये गर्म हो चुका है, मैं हाथों से फील कर सकता हूँ, हाथ लगाने पर फील हो रहा है, ये गर्म हो रखा है काफ़ी। तो अभी 10 मिनट रहते हैं, अभी आधा घंटा पूरा नहीं हुआ है, तो अभी 10 मिनट्स रहते हैं, पूरे 30 मिनट्स नहीं हुए हैं। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा, 10 मिनट हम और रुक जाते हैं, अभी थोड़ा वेट और कर लेते हैं। ओके, तो दोस्तों देखिए अभी सप्लाई ऑन है और आधा घंटा हो चुका है, ये देखिए पूरे 9:40 हो चुके हैं वॉच में। तो अभी ज़रा पहले तो मैं ये लाइट ऑन कर देता हूँ। तो ये देखिए लाइट मैंने ऑन कर दी है यहाँ की। तो टाइम हो चुका है और अब हम अपने लंच बॉक्स को ओपन कर लेते हैं जल्दी से। और ये वैसे काफ़ी गर्म हो चुका है बाहर से, बट इतना गर्म नहीं हुआ है कि ये प्लास्टिक मेल्ट हो जाए, बट ये इतना फील हो रहा है कि इसके अंदर का जो कंटेंट है, खाना है या पानी जो भी है, वो चीज़ गर्म हो चुकी है। तो ये ओके, तो ये काफ़ी गर्म है, और स्टील है तो स्टील तो जल्दी गर्म हो ही जाता है वैसे। तो इसको मैंने बहुत केयरफुली बाहर निकाले और ये अंदर से भी काफ़ी गर्म है। ये मेरे पास थर्मामीटर है, इसे ज़रा चेक करके देखते हैं एक मिनट। तो इसको पहले 0 सेट कर लेते हैं। ओके, अभी तो ये 0 ही दिखा रहा है बिकॉज अभी मैंने इसको ठीक से लगाया नहीं है, बट ये गर्म है मैं आपको बता दूं वैसे ही। तो थोड़ी देर पहले अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ जो इसके अंदर का पानी है, बिकॉज ऐसा ना हो कि बाद में ये ठंडा हो जाए। तो पहले हम इस पानी को चेक कर लेते हैं। वैसे ये जो बॉक्सेज हैं ये गर्म हो चुके हैं, ये मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। तो अब हम इन पानी का जो टेम्परेचर है वो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 0 पे है और इसको मैंने पानी में डाला है, तो ये देखिए 97.3 98.5 फ़ारेनहाइट हो गया। आपको शायद दिखाने में, दोबारा से आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ थोड़ा। तो इसको मैंने कर दिया है 0 पे। ओके, ये देखिए 0 पे हो गया और अब हम पानी में इसको डालेंगे। तो ये देखिए 96.7 या 99.7, ये देखिए। तो ये पानी गर्म हो चुका है इतना मेरे को पता है, तो आप इसमें थर्मामीटर में भी ये चीज़ देख सकते हैं। और अब हम दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं। इसको दोबारा से मैं 0 पर सेट कर देता हूँ। ये देखिए अभी 0 है और इसको पानी में डाला, ये देखिए 95.8 फ़ारेनहाइट आ रही है इसकी। अब ये थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों थर्ड वाला, वैसे मेरे को काफ़ी टाइम लग रहा है, तो हो सकता है कि लास्ट वाला जो लंच बॉक्स है उसका पानी नॉर्मल हो जाए, क्योंकि टाइम लग रहा है। ये देखिए ये 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है इसका टेम्परेचर, और ये है लास्ट वाला। और तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसका पानी मेरे को लग रहा है अब नॉर्मल सा हो गया, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम लग गया इसको बाकी बॉक्सेस को चेक करने में। तो इसको भी एक बार चेक कर ही लेते हैं वैसे। तो दोस्तों अभी ये पानी नॉर्मल हो चुका है, ये अभी गर्म नहीं रहा, तो चलिए इसको रख ही देते हैं हम साइड में। तो अभी हम इस लंच बॉक्स को चेक कर लेते हैं दोस्तों, अभी भी ये गर्म है काफ़ी अंदर से। तो इसको ज़रा मैं थर्मामीटर को इसके अंदर रख के देखता हूँ।
इसको मैंने थर्मामीटर को अंदर रख दिया है और अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी इसने डिटेक्ट किया नहीं है क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है टेम्परेचर डिटेक्ट करने में। तो मैं ज़रा आपको लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए अभी इसके अंदर पड़ा हुआ है और ये लंच बॉक्स अंदर से गर्म है और ये देखिए आप देखिए 96.4 फ़ारेनहाइट है। काफ़ी देर से ये ओपन पड़ा था आपके सामने, फिर भी इसमें अभी काफ़ी टेम्परेचर है, काफ़ी गर्म है ये। तो दोस्तों मैं आपको चेक करा चुका हूँ, इसमें जैसे पानी गर्म हुआ वैसे सेम टू सेम आप इसमें खाना गर्म कर सकते हैं और काफ़ी यूज़फुल चीज़ है ये। अगर आप ऐसा कोई लंच बॉक्स ढूंढ रहे हैं जिसमें आप खाना गर्म कर सकें तो वो आप इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।